देखो भंडारा करने वालों, आम का भोज हो गया, सारे बंदर जा चुके हैं, गौ माता आ गई, ठीक अभी आ गई। अगर हम हट जाएंगे, हटो हट हट, क्योंकि यह गाड़ी को देंगी धमाम से पलट, ठीक। इसलिए मैंने कैमरा निकाला कि बड़े बड़े भंडारा करने वालों, गौ माता इनकी पूजा की जाती है, इनके गोबर की पूजा की जाती है ना, और आपके पसीने की पूजा नहीं की जाती है, आपके सर के बाल की पूजा नहीं की जाती है, आपकी पूजा नहीं की जाती है, इनके गोबर तक की पूजा की जाती है, इनके पेशाब से औषधि बनती है, ठीक। अब ये गौ भोज हो गया, ये कुछ बागी बंदर बचे थे तीन चार, उनको मैंने अभी दिया है, बार 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 बार, अब किसी तरह यहाँ बगल में पानी मिल गया इसके अंदर ज़रा सा हाथ धोने के लिए, तो हनुमान जी की कृपा देखिए आप, अब हाथ इस गंदे नाले में थोड़े कोई धोएगा, जहाँ टट्टी पेशाब गंदा नाला, इसका पानी छूने ही मुसीबत है, कौन इसमें हाथ धोएगा भाई, वो तो खुले नरक है। तो एक वो बागी, एक ऊपर बागी बैठा है, एक ये, एक अंदर है उधर। अब इस गौ माता आ गई, मज़े की इनकी खुराक इनको मिल गई, देखा खून पसीना एक करो, ए उसको न डरवाओ भाई, खून पसीना एक करो, मेहनत करना पड़ता है। अब अगरबत्ती सुलगा के मार, वो उस सिल्कन दुपट्टा में दुर्गा जी के पूजा में लोग नहीं बैठते हैं, सिल्कन अच्छा, अगरबत्ती चंदन, ये देखो ये है चंदन, ये दुर्गति करो अपनी, पसीना बहेगा हाथ, कितनी बार कपड़े धोए, देखो कुर्ते की हालत है, समझ गए। तो भगवान ने हनुमान जी की कृपा, इसके अंदर थोड़ा हमको पानी दिख गया, ये देखिए इतने पानी में हाथ छपछपा के हाथ धो लिया मैंने, ये मैं बार बार बनाता हूँ दिखाता हूँ, असली धर्म, असली पूजा, असली भक्ति यही लक्ष्मी की सेवा है, लक्ष्मी यंत्र बनाने से लक्ष्मी जी नहीं मिलने वाली, ठीक है, लक्ष्मी जी सदा सहाय। अच्छा आपने पंडित जी ने लिख दिया, तो पंडित जी अपने घर में बना लें, पूरी लक्ष्मी तो उन्हीं के घर में आ जाएं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। अरे ये सब चीज़ें पुराने समय की रही होंगी, केवल इस समय कलयुग है, करो करो, करने से काम बनेगा, डायरेक्ट सेवा करो, पसीने बहाओ, इसमें कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता, एक गले पके आम जो है रात में वो दुकानदार क्या करेगा, वो कहता हाँ महाराज 20 में ले जाओ, बताओ 100 रुपये का 5 किलो आम, अब थोड़ा माल बचा लिए हैं, कैमरों को बंद करके मैं अब रवाना होऊंगा, जो बिना माँ का बच्चा है उसको दो चार दिन आम मिल गया अगर, क्योंकि इसके बाद कुछ खाने को पेड़ पर नहीं रह गया है, तो शायद वो बच जाए। ममता तो है, ममता रखो, प्रेम करो बंदर बंदरों से, हनुमान जी की कृपा होगी। अब मैंने इनका भाई, इनसे हमको लगाव है, प्रेम है ना, तो कोई लक्ष्मी की मेरे पास कमी नहीं, भाई लोग भेज रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, अब इससे बड़ी ज़्यादा लक्ष्मी क्या क्या होगी। टाटा बिरला को भी, मुकेश अंबानी को भी पैसा चाहिए, श्याम साधु को पैसा नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। हटो भाई हटो, गाड़ी उतारने दो हमको, जाओ वहाँ खाओ जाके सब, ये देखिए सब छिलका, पहले छिलका खाएंगे फिर गुठली चबाएंगी, पहले लोग तरमाल खाते हैं, ये देखिए बंदर आम जो है ना वो छिलके सहित खा जाता है, अभी गुठली भरा इसने मुँह में, ये देखो सब बड़े बड़े गैया आ गई सब, ठीक यही सब देखो, उनका भी भला हो जाए भाई, जो फल वाले हैं उनका भी कम से कम जो भी गला पचा आम जो है उनको भी पैसे मिल जाते हैं, उनका गरीब उनका भी भला है, गैयों का भला है, बंदरों का भला है, हाँ आपका भला नहीं है, क्यों, अगर आप मेहनताना लेते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ आपको मेहनताना लेने की ज़रूरत नहीं होगी ना, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा हनुमान जी कोई व्यवस्था बना देंगे, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय श्री राम, 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 जय श्री